हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए उसका चैप्टर 7 रिस्क इन फॉरेन ट्रेड रोल ऑफ ईसीजीसी। ईसीजीसी इज द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रेड में क्या रिस्क है और उन्हें किस तरीके से कवर किया जाता है, ये सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, दिस चैप्टर कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जहाँ पर सबसे पहले हम रिस्क क्या है, क्या क्या है, वो सब देखेंगे। और वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स एंड कंट्री रिस्क पर थोड़ी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, बिकॉज ईसीजीसी हैज वेरियस नॉर्म्स इन दिस रिगार्ड। और ईसीजीसी का स्पेसिफिक रोल क्या है, किस तरह के पॉलिसी ईसीजीसी प्रोवाइड करता है, बिकॉज ईसीजीसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ आपको, विथ रिस्पेक्ट टू जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, प्रोडक्ट्स जा रहे हैं बाहर, उनसे रिलेटेड मेनली। ठीक है, डिफरेंट एंटिटीज को डिफरेंट तरीके के पॉलिसीज प्रोवाइड करता है। तो वी हैव अ लुक एट दीज पॉलिसीज। फर्स्टली ये जो रिस्क है, इसको अच्छे से पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो दिस रिस्क कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अभी हम देखेंगे टाइप्स इसके, बायर रिस्क, सेलर रिस्क, शिपिंग। तो जब आप ट्रेड करते हो, तो एक सिनेरियो आप देखिए जहां पर एक्सपोर्टर ने गुड्स ट्रेड कर दिए, बट इम्पोर्टर ने कहा है कि आई विल नॉट बी पेइंग। तो ऐसा में एक्सपोर्टर क्या करेगा, दैट इज अ रिस्क। और ही विल से कि आई एम बैंकरप्ट, गुड्स तो आपने भेज दिए हैं बट आई कैन नॉट पे। तो ये गुड्स भेजे और फिर वापस लेकर आने का पूरा कॉस्ट जो है एक्सपोर्टर को पे करना होगा, एंड देयर इज नो प्रॉफिट एट ऑल, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग लॉसेस एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स इज व्हाट इज रिस्क को मिटिगेट करने का प्रोसेस, उसे हम कहते हैं। ये मेनली इससे हमें कौन, बैंक जो है काफी अच्छे से बचाते हैं कई बार, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ईसीजीसी के द्वारा कई पॉलिसी से। तो ये सारे पॉलिसी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ईसीजीसी जो है होली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी है। 1957 में इसे जो है बनाया गया था क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस से रिलेटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गवर्नमेंट के, आरबीआई, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव ईसीजीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ये बनाता है मेनली। ओके, तो व्हाट इज अ रिस्क अगेन, इट इज अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन इवेंट हो सकता है जिसके वजह से फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क वी कैन से इज द बायर्स रिस्क। जो भी बायर है उसके वजह से रिस्क क्रिएट हो रहा है टू द सेलर। बायर ने क्या कहा, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ, पेमेंट नहीं करूंगा, क्वालिटी अच्छा नहीं है, ऐसा सेलर को कह दिया, एक्सपोर्टर को कह दिया। तो दैट इज अ रिस्क। देन देयर कैन बी रिस्क फ्रॉम द सेलर साइड, जो गुड्स जो है वो भेज नहीं रहा है, और हो सकता है कि गुड्स जो भेजे उसकी क्वालिटी सही नहीं है, डिले हो रहा है काफी ज्यादा, राइट। तो ये शिपिंग रिस्क हो सकता है, जहां पर जो गुड्स हैं वो शिप कर दिए गए हैं, बट जब शिपिंग किया जा रहा है उसमें इश्यूज हो सकते हैं, हैंडलिंग एजेंट्स, पोर्ट अथॉरिटीज, लोकल ट्रांसपोर्टर्स, लोडर्स, ये सब भी ब्रेक हो सकते हैं गुड्स अगर फ्रजाइल हैं, इफ दे आर नॉट वेरी केयरफुल, डीलेस, नॉन शिपमेंट, वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं, मिसहैंडल्ड, अबैंडन कर दिए गए गुड्स में से थोड़ा सा निकाल लिया गया है, पीपल यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, बैकलॉग या अनअवेलेबिलिटी है कंटेनर्स की, तो डीले हो रहा है, सी पायरेट्स आ गए, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सब शिपिंग रिस्क है आपका। और भी रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट रिस्क, जहाँ पर जो पर्सन है जिसे पेमेंट करनी है, दैट पर्सन मे नॉट बी एबल टू पे बिकॉज ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस उसकी सही नहीं है, या फिर वो डिफॉल्ट बहुत ज्यादा करता है, पेमेंट करता ही नहीं है, ऐसे पर्सन को आपने गुड्स भेज दिया और यू आर एक्सपेक्टिंग अ पेमेंट। लीगल रिस्क हो सकता है, जहां पर आपने जिस कंट्री में गुड्स भेजे उस कंट्री के लॉज वगैरह चेंज हो गए हैं, एम्बार्गोज हो सकते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री पर, जो है लॉ चेंज हो सकता है, वहां का पूरा सिस्टम पॉलिटिकल जो है चेंज हो गया, इस वजह से कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है। जैसे कोई कंट्रीज के बीच में अगर वॉर चल रहे हैं, तो आपके गुड्स भेजते ही वॉर शुरू हो गया, तो दैट कैन बी अ कंट्री रिस्क। ठीक है, वीक फॉरेक्स रिजर्व्स किसी कंट्री के है, तो दैट कैन बी अ इश्यू, जहां पर फॉरेक्स रिलेटेड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, सेलर्स के जो है ऑपरेशन बंद कर दिए हैं उन्होंने, या फिर टेक्नोलॉजिकल इश्यूज के वजह से जो है चेंजेस आ रहे हैं, एंड देयर आर वेरियस इश्यूज। एक्सचेंज रिस्क हो सकता है, जहां पर एक्सचेंज का एडवर्स मूवमेंट हो सकता है, आपने गुड्स भेजे थे, आपको पेमेंट मिला डॉलर्स में, और यहां पर जो भी पेमेंट आपको मिला है, लेट्स से इन रूपी टर्म्स अगर मिला है, तो आपने गुड्स 100 रुपए के भेजे, तो इनिशियली ऐसा था तो $1, ठीक है,
अब क्या हुआ, यहाँ पर 1 डॉलर के सामने आपको जो है 200, तो 200 के सामने आपको 1 डॉलर मिल रहा है रुपी टर्म्स में, अगर ये पेमेंट किया जा रहा है। तो ऐसे कई बार एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से लॉस होता है, सेंडिंग वीकनिंग करेंसी के वजह से। दीज आर द लॉसेस। और इनमें से सबसे जो ज्यादा ध्यान दिया जाता है दैट इज द कंट्री रिस्क, बिकॉज ट्रेड इज समथिंग जो इंटरनेशनली एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में हो रहा है। तो कंट्री रिस्क में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जब होता है तो दूसरे कंट्री में कई सारे सिचुएशंस हो सकते हैं विच कैन बी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सिचुएशंस, जिसके वजह से ट्रेड में लॉसेस हो सकते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड जो चीजें उन्हें हम कंट्री रिस्क कहते हैं। ओके, आरबीआई गाइडलाइंस इससे रिलेटेड बना चुका है, ओन कंट्री रिस्क पॉलिसी होनी चाहिए बैंक्स के साथ के साथ। ईसीजीसी को कहा गया कि कंट्री रिस्क रिलेटेड रेटिंग्स आप लेकर आओ, यानी कि अलग अलग कंट्रीज को रेट करना है कि कौन से कंट्री में अगर आप पैसे इस तरीके से ट्रेड करोगे तो यू विल हैव अ पर्टिकुलर रिस्क विच यू नीड टू कवर इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो ये चीज एसेस करनी होगी। ईसीजीसी की कंट्री क्लासिफिकेशन 7 कैटेगरीज में की गई है, और यहाँ पर अगर हम देखें बैंक्स को भी प्रोविजनिंग करनी होती है अगर उनका किसी ऐसे कंट्री से जो है ट्रेड हो रहा है उस बैंक के थ्रू, और वो ट्रेड की वैल्यू उनके 1% एसेट से ज्यादा है। ठीक है, लेट्स से 100 रुपीज का लोन बैंक ने दे रखा है, उसमें 1 रुपी का लोन उसने दे रखा है ऐसे एक्सपोर्टर को जो एक रिस्की कंट्री में अपना एक्सपोर्ट भेज रहा है। तो इट हैज टू कीप सम कैपिटल इन फ्रंट ऑफ इट। अरे ये डिफॉल्ट होगा तो हाउ विल आई पे टू द एक्सपोर्टर, उसके लिए कैपिटल मेंटेन करना होगा बैंक को। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग, जो उसे मेंटेन करनी है। मेथड्स के नॉस्ट्रो बैलेंस, डिपॉजिट्स प्लेस्ड अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, डिबेंचर्स, ये सारे जो है कंट्री रिस्क एक्सपोजर में आ जाता है। कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं कंट्री रिस्क असेसमेंट में इवन बाय ईसीजीसी? तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है कहीं पर, फॉरेन ट्रेड रिलेटेड, एक्सटर्नल डेट, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीडीपी कंट्रीज का, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल रिजर्व्स हो गए, और आईएमएफ कोटास हो गए, इंटरनेशनल रेटिंग हो गया, पास्ट रिकॉर्ड, पेमेंट्स का कैसा है, ओवरऑल असेसमेंट, इन सारी चीजों से रिलेटेड किया जाता है। ओके, दैट बेसिस द ईसीजीसी के द्वारा जो है 7-फोल्ड क्लासिफिकेशन की गई है कंट्रीज की। यानी कि अगर कोई कंट्री A1 ग्रेड का है, A1 रेटिंग उस कंट्री को दिया जा रहा है, तो कोई भी रिस्क, इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, कोई खास कंट्री रिस्क यहाँ पर नहीं है। बट D दिया जा रहा है तो वेरी हाई कंट्री रिस्क यहाँ पर है इफ एक्सपोर्ट या फिर ट्रेड किया जा रहा है इस कंट्री के साथ। तो 239 कंट्रीज को इसने इस तरीके से क्लासीफाई किया है, और एवरी क्वार्टरली बेसिस पर ये जो है अपडेट किया जाता है। A1 to B2 में 207 कंट्रीज है, ये 31st 2021 का है। C1 C2 में देर आर 22, एंड इन द डी कैटेगरी देर आर 10। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप कंट्रीज इन्हें कहा जाता है। तो जो C1 से D तक के जो रेटिंग है उसमें कंट्रीज आते हैं। अब इनको मिटिगेट कैसे किया जाए? क्रेडिट इंश्योरेंस एंड बैंक्स को कॉशन मेंटेन करना होता है। तो क्रेडिट इंश्योरेंस अलग अलग टाइप के फॉरेन करेंसी अकाउंट, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों को ही लेना होता है। एंड वी विल टॉक अबाउट दीस डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 रिस्क कैटेगरीज जिसमें ईसीजीसी कंट्रीज को क्लासिफाई करता है? इनसिग्निफिकेंट रिस्क A1, लो रिस्क A2, मॉडरेटली लो रिस्क B1, डिफॉल्ट D2। तो डिफॉल्ट नाम का कोई भी ऐसा कैटेगरी नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन? ठीक है, ईसीजीसी लिमिटेड क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूशन है सेट अप फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। यस, ये क्रेडिट एनहांसमेंट जो है, क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट एनहांसमेंट प्रोवाइड करता है। 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया था, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो सो वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क, कंट्री रिस्क क्या होता है, ऑल ऑफ दीस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। अब इन रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है और इसमें ईसीजीसी का क्या रोल है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो इसका क्या रोल है वो हम देखेंगे। राइट, तो फर्स्टली एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम देखें तो व्हाट इज द पर्पस? देयर आर वेरियस रिस्क। ठीक है, यहाँ पर ये हो सकता है कि पेमेंट बायर से ना आए, सेलर गुड सही नहीं है, या बैंक्स को जो है पेमेंट एक्सपोर्टर से नहीं मिल रहा है। राइट, तो देर आर वेरियस रिस्क जहां पर मेनली इफ यू सी द एक्सपोर्टर इज गोइंग टू बी, इसको जो है पेमेंट नहीं मिल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा रिस्क है। दूसरा ये होता है कि जो बैंक है
उसको एक्सपोर्टर पेमेंट नहीं कर रहा है, दैट कैन बी रिस्क। तो इन दोनों से रिलेटेड मेनली इंश्योरेंस जो है वो बनानी पड़ती है। कई बार शिपमेंट जो होता है वो बीच में जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, विद दैट रिस्पेक्ट ऑल्सो इंश्योरेंस जो है वो रखना पड़ता है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जो रिस्क है जिस पर इंश्योरेंस क्रिएट करने की जरूरत होती है। तो इससे रिलेटेड वेरियस कंट्रीज ने स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। इंडिया में भी है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC लिमिटेड, और ये जो है डिफॉल्ट ऑन एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स अगर है तो उस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, इन वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू दैट रिस्क कैन बी कवर्ड। इंडिया में अगर हम देखें नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज लाइक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब ECGC का क्या रोल है वो देख लेते हैं। ECGC को लाया गया था क्रेडिट गारंटी इंस्टीट्यूशन, जो कि प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स के लिए लाया गया था, जहां पर एक्सपोर्टर्स एज वेल एज बैंक्स को ये प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क जो हम देख चुके हैं इंश्योरेंस प्रोवाइड करके। और यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है उसके क्रेडिट वर्थिनेस को ये चीज एनहांस करता है। इसके साथ साथ 1957 में पहले तो एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बनाया गया था, इसको रिप्लेस करके 1964 में वी हैव द ECGC एस्टेब्लिश। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है ECGC के? ग्लोबलाइजेशन को, इंडिया का ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करना, इंडियन एक्सपोर्टर्स को असिस्ट करना, इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम सच रिस्क, पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करके, फैक्टरिंग इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करके एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करता है एंड एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करता है। बैंकर्स के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, इसके साथ साथ परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, क्रेडिट इंश्योरेंस में एक्सपर्टीज वर्ल्ड लेवल पर ECGC का आया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर्स को इन चीजों से रिलेटेड एजुकेट करने से रिलेटेड वर्क है। एक्टिविटीज क्या क्या है? मेनली इंश्योरेंस कवर एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करता है, रिस्क जो हमने डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स हो सकते हैं डिफरेंट बैंक्स के जो ये प्रोवाइड करता है, सॉरी फॉर द नॉइस, एक्सपोर्टर फैक्टरिंग फैसिलिटीज MSME सेक्टर के लिए किए जा सकते हैं। क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर यहाँ पर जो है एक्सपोर्टर्स को जो प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट कैन बी प्रोवाइडेड। यहाँ पर लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है। दे प्रोवाइड क्रेडिट रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं ओवरसीज बायर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो दीज पीपल आर हेल्पिंग होम एक्सपोर्टर्स एंड मेनली उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करके, उनको बायर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देकर, क्रेडिट रिलेटेड जो डिफॉल्ट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और एक्सपोर्टर्स के जो वेरियस शिपिंग रिलेटेड रिस्क है उन सभी को कवर करते हैं। ऑल्सो बैंक्स को कवर कर रहे हैं ये बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू बैंक्स ऑल्सो। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज जो ये ECGC प्रोवाइड करता है। देन देयर इज द फर्स्ट वन, स्टैंडर्ड पॉलिसी, स्मॉल एक्सपोर्टर स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसी, एक्सपोर्ट टर्नओवर बायर एक्सपोजर पॉलिसी, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स मल्टी बायर, IT एनेबल्ड सर्विसेज पॉलिसी एंड पॉलिसी फॉर SME सेक्टर। ठीक है, तो ये सारे हम देखेंगे। सो द फर्स्ट वन हियर इज द स्टैंडर्ड पॉलिसीज, राइट। एक यहाँ पर अगर हम देखें स्टैंडर्ड पॉलिसीज एंड ये सारे जो एक्सपोर्टर्स को, बैंक्स को क्या फैसिलिटीज है वो भी एक बार देख लेते हैं, विच विल डिस्कस लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है बैंक्स को, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट, ये पैकिंग क्रेडिट जो है इससे रिलेटेड जो प्री शिपमेंट क्रेडिट है जो प्रोवाइड किया जाता है एक्सपोर्टर्स को बाय बैंक्स, और ये बैंक्स कई बार ये जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उसके लिए दे आर वेरी मच, उन्हें काफी डर लगता है डिफॉल्ट का कि ये जो एक्सपोर्टर है हिमें डिफॉल्ट, तो इस वजह से बैंक्स भी इंश्योरेंस लेते हैं ऑन देयर पर्टिकुलर पेमेंट जो उन्होंने की है विद रेस्पेक्ट टू द क्रेडिट दैट दे आर प्रोवाइडेड। प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, होल टर्नओवर, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, प्री शिपमेंट हो गया पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, देन गारंटी, फाइनेंस गारंटी, परफॉर्मेंस इंडेमनिटी, फाइनेंस ओवरसीज लेंडिंग गारंटी, ट्रांसफर गारंटी, ये सब हम देखेंगे आगे के वीडियोस में। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग अ लुक एट द वेरियस पॉलिसीज जो एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड पॉलिसीज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शिपमेंट कॉम्प्रेहेंड, तो ये स्टैंडर्ड पॉलिसीज जो है शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं उनके एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, लेट से एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड जो एग्रीमेंट है एक्सपोर्टर ने कर ली। अब यहाँ पर कई रिस्क हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनली टू काइंड्स ऑफ रिस्क, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। ये रिस्क हम पिछले जो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन, बट ये दोनों रिस्क को कवर करता है। कमर्शियल रिस्क कैन बी फ्रॉम द बायर साइड, के बायर पेमेंट नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल रिस्क उसके कंट्री में कोई इश्यू हो गया,
हो सकता है जिसकी वजह से पेमेंट नहीं आ रही है या शिपमेंट गया नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला है डेट ऑफ शिपमेंट से जब काउंटिंग होती है और ये रिस्क कवर किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, दैट इज कॉल्ड शिपमेंट कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी, जहां पर कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों रिस्क कवर कर रहे हैं। अब शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क में ओनली पॉलिटिकल रिस्क कवर हो रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, शिपमेंट फिर कुछ दिन बाद होता है ना, तो ये और पहले से जो है कवर किया जा रहा है। कॉम्प्रेहेंसिव रिस्क में क्या है, कमर्शियल पॉलिटिकल दोनों होगा, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल रिस्क में ओनली पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर किया जाएगा। वेरी सिंपल है, इसे याद रखना। रिस्क क्या क्या कवर्ड है, कमर्शियल रिस्क हम डिस्कस कर चुके हैं, रेप्यूटेशन जहां पर बायर जो है गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पॉलिटिकल रिस्क उसके कंट्री में कई सारे वॉर रेवोल्यूशन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस डाइवर्जन हो गया है ऑफ द वॉयज, इन शॉर्ट बाय जनरल इंश्योरेंस ये जनरली इंश्योर नहीं किए जाते हैं पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ एक्सपोर्टर एंड बायर ये चीजें हैं तो इंश्योर नहीं किए जाते, बट ईसीजीसी प्रोवाइड्स इंश्योरेंस ओवर दिस ऑल्सो। जो रिस्क कवर नहीं है ये भी हमें ध्यान में रखना है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं बायर के द्वारा, कॉजेस जो गुड्स के नेचर में ही हैं उससे कोई लॉस हो रहा है तो दैट विल नॉट बी कवर्ड, फेल्यूर हो रहा है बायर के एंड पर नेसेसरी इंपोर्ट रिलेटेड ऑथराइजेशन लेने में और इस वजह से वो उस इंपोर्ट को रिसीव नहीं कर पा रहा तो दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड। डिफॉल्ट इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी एजेंट, बायर का इंसॉल्वेंसी कवर्ड है बट एजेंट जो इसमें इन्वॉल्व है और भी इंटरमीडियरी उसका फेल्यूर नहीं कवर्ड। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, फेल्यूर ऑफ एक्सपोर्टर टू फुलफिल द टर्म्स एक्सपोर्ट रिलेटेड जो है वो, ठीक है, तो यहाँ पर 90% ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड पॉलिसीज में कवर्ड होता है बाय ईसीजीसी। ठीक है, नाउ स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी, इसके लिए स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी जो है वो पहले वाला स्टैंडर्ड पॉलिसी शॉर्ट टर्म था, अब ये 24 मंथ्स तक के लिए किया जा सकता है बट जनरली 12 मंथ्स के लिए किया जाता है। फॉर दिस पर्पज स्मॉल एक्सपोर्टर है कौन, ऐसा व्यक्ति जो कि टोटल टर्नओवर उसका 12 महीनों में, आगे के 12 महीनों में एक्सपोर्ट रिलेटेड 50 लाख से ज्यादा नहीं है, सच अ पर्सन इज स्मॉल एक्सपोर्टर। ठीक है, तो ऐसे में कमर्शियल रिस्क कवर होते हैं जो वी हैव डिस्कस्ड, फेलियर ऑफ बायर, ये सब, पेमेंट ड्यू अगर है, ड्यू डेट के 52 मंथ्स में अगर पेमेंट नहीं की है उसको भी कवर किया जा रहा है, लीगल एक्शन अगेंस्ट द बायर यहाँ पर जो है एडवाइजेबल नहीं है, ऐसे केसेस में ये पर्टिकुलर थिंग जो है कवर्ड है। पॉलिटिकल रिस्क, वॉर, सिविल वॉर, न्यू रिस्ट्रिक्शंस, इंटरप्शन, ये सब सेम है विच आर कवर्ड। क्या कवर्ड नहीं है, अगेन कमर्शियल डिस्प्यूट्स, कॉजेस इनहेरेंट, बायर्स फेल्यूर, इंसॉल्वेंसी, लॉस ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, फेल्यूर ऑफ द एक्सपोर्टर टू फुलफिल द टर्म्स, नॉन पेमेंट अंडर एलसी, और ये 12 मंथ्स के लिए मेनली इशू किया जाता है। तो दिस इज वॉट 12 मंथ्स के लिए इशू किया जाने वाला स्मॉल एक्सपोर्टर्स को पॉलिसी। देन द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी, शॉर्ट टर्म का होता है ये, एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ शिपमेंट्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज इशू किए जा सकते हैं। मेनली 180 डेज से ज्यादा का ये इंश्योरेंस नहीं होता है, और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर जिसके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है, ही कैन गो फॉर दिस स्पेसिफिक पॉलिसीज। जहां पर पॉलिटिकल रिस्क रिलेटेड स्पेसिफिक पॉलिसी हो सकता है, पोस्ट शिपमेंट स्टेजेस का पॉलिसी हो सकता है, इंसॉल्वेंसी एंड डिफॉल्ट एलसी के ऊपर अगर किया जा रहा है, एंड पॉलिटिकल रिस्क, ये दोनों कवर करता हुआ स्पेसिफिक पॉलिसी हो सकता है। ठीक है, शिपमेंट रिलेटेड यानी कि शिपमेंट किया गया है उस पर्टिकुलर कंट्री को बट देर इज सम लॉस। कमर्शियल रिस्क जो कवर्ड है, इंसॉल्वेंसी बायर का, फेलियर ऑफ द बायर टू पे, और 4 मंथ से ज्यादा का टाइम वो ले लेता है, देन दैट इज कवर्ड हियर। ठीक है, बायर्स फेलियर टू एक्सेप्ट द गुड्स, ठीक है, ये सब कवर्ड है। पॉलिटिकल रिस्क, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, न्यू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, कॉज ऑफ लॉसेस कुछ कंट्री के साइड से हो रहा है, दैट इज कवर्ड। बट व्हाट इज नॉट कवर्ड इज शॉर्ट टर्म यहाँ पर पॉलिसीज जो है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स, कॉजेस इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द गुड्स, बायर फेल्यूर, इंसॉल्वेंसी, लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, फेल्यूर ऑफ द एक्सपोर्टर, ये सारे कवर्ड नहीं है। तो ये वाले जो कवर्ड नहीं है ये अलग अलग पॉलिसीज के लिए अलग है, बट एक लिस्ट आप अगर आप याद रख लो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की, बाकी सबका याद हो जाएगा क्या है क्या नहीं है, वो आपको एक बार देखना होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसी, ठीक है, लेट्स से ये डेविड को एक्सपोर्ट कर रहा है तो डेविड से रिलेटेड एक इंश्योरेंस पॉलिसी वो इश्यू करेगा। ठीक है, इट इज नॉट अ जनरल पॉलिसी बट एक स्पेसिफिक बायर से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू कर लेना, ठीक है, टू अ पर्टिकुलर बायर। ठीक है, एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसी, और ये क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक बायर से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सपोर्टर्स डू नॉट होल्ड एनी स्टैंडर्ड पॉलिसी
या फिर उनके पास स्टैंडर्ड पॉलिसी होगा भी, देन ऑल्सो स्पेसिफिक बायस से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉलिसी वो ले सकते हैं। थ्री टाइप्स के ये कमर्शियल पॉलिटिकल दोनों कवर करने वाले, ओनली पॉलिटिकल, या फिर ओनली इंसॉल्वेंसी और डिफॉल्ट एंड पॉलिटिकल रिस्क को कवर करने वाले शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो सकते हैं। बायर एक्सपोजर पॉलिसी, अब ये तो स्मॉल जो एक्सपोर्टर्स है उसके लिए हो सकता है, बट लार्ज एक्सपोर्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर, पर्टिकुलर बायर से रिलेटेड वो पॉलिसीज ले सकते हैं। टू टाइप्स का हो सकता है, स्पेसिफिक बायर से रिलेटेड, या फिर रिस्क जो काफी सारे बायर्स हैं उनसे रिलेटेड कवर करता हुआ पॉलिसी भी हो सकता है। यहाँ पर काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, एलसी या नॉन एलसी टाइप के ट्रांजेक्शन दोनों ही कवर किए जाते हैं यहाँ पर। सेपरेट बायर एक्सपोजर पॉलिसी ईच बायर के लिए इशू किया जाना होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ओके, और ये जो है एक्सपोर्टर हैज ऑप्टेड फॉर कमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क कवर। फेलियर ऑफ एलसी ओपनिंग बैंक, एलसी ओपनिंग बैंक अगर फेल होता है एलसी के टर्म्स को फुलफिल करने के लिए, ऐसा जो बैंक है उसकी वर्ल्ड रैंकिंग अप टू 25,000 है, ऐसे बैंक्स से रिलेटेड जो रिस्क है दैट इज आल्सो कवर्ड। वर्ल्ड रैंकिंग की जाती है बैंक्स के बाय बैंक का सालमन एक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन एलसी से रिलेटेड जो भी है, वेरियस अदर थिंग्स से रिलेटेड बैंक्स को रैंक किया जाता है। तो 25,000 के अंदर जिस भी बैंक का रैंकिंग है वो सब से रिलेटेड ये पॉलिसी इशू करवाया जा सकता है, अगर वो एलसी के टर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहा है पर्टिकुलर बैंक, ठीक है। बियॉन्ड द लिमिट अगर रैंकिंग है, स्पेसिफिक अप्रूवल फ्रॉम द ब्रांच इश्यूड द पॉलिसी प्रियॉर टू मेकिंग द शिपमेंट, ये सब करके दैट कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड। पॉलिटिकल रिस्क ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एलसी ट्रांजेक्शंस, अगर ये करना है तो एंडोर्समेंट रिस्ट्रिक्टिंग द कवर टू पॉलिटिकल रिस्क ओनली, ठीक है। तो एंडोर्स करना होगा कि खाली पॉलिटिकल रिस्क एलसी से रिलेटेड वही कवर करो और प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। एलिजिबिलिटी किसकी किसकी है, एक्सपोर्टर होल्डिंग स्टैंडर्ड पॉलिसी वो भी हो सकते हैं, और शिपमेंट्स टू द बायर कवर्ड अंडर बायर्स एक्सपोजर पॉलिसी। अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी है तो बायस एक्सपोजर पॉलिसी को एक्सक्लूड किया जा सकता है। देन एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, ऐसे एक्सपोर्टर्स के लिए जिनकी एक्सपोर्ट से रिलेटेड टर्नओवर यानी कि प्रीमियम जो इंश्योरेंस वगैरह में भर रहे हैं वो 10 लाख या उससे ज्यादा है, ठीक है, और इनका एक्सपोर्ट इससे भी ज्यादा होगा क्योंकि पॉलिसी प्रीमियम 10 लाख भर रहे हैं तो एक्सपोर्ट उससे ज्यादा। एलिजिबिलिटी इन्हीं लोगों की है इस एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी में, और ये एक्सपोर्ट टर्नओवर फॉर अ ईयर ये प्रोजेक्ट किया गया है, एंड इनिशियली से डिटरमाइन करके इसे इसके टर्म्स को चेंज करते रहना है एज पर द एक्चुअल जो एक्सपोर्ट टर्नओवर हो रहा है। डिस्काउंट प्रीमियम में दिया जा सकता है अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं। क्रेडिट, यहाँ पर डिस्क्रिशनरी क्रेडिट लिमिट यानी कि आपको जो है क्रेडिट भी प्रोवाइड किया जा सकता है। टेन्योर यहाँ पर 1 ईयर का है, प्रोविजन रिलेटेड टू स्टैंडर्ड पॉलिसीज पर भी अप्लाई होते हैं। एंड फाइनली कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स पॉलिसी, कंसाइनमेंट ये प्रोसेस होता है जहाँ पर एक्सपोर्टर ने गुड्स भेजे और यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेलर होता है और ये सेलर गुड्स को रिसीव करके उस कंट्री में सेल करके जो भी सेल हुआ है उसमें थोड़ा मनी कट करके अलोंग विद द गुड्स जो सेल नहीं हुए हैं ये सब भेज देता है वापस, दैट इज कंसाइन। यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज अ टाइम लैग शिपमेंट एंड एक्चुअल सेल में, क्योंकि यहाँ पे रिसीव होंगे स्टोर होंगे देन ही विल सेल, देयर इज अ टाइम लैग, तो रिस्क कवर करना जरूरी हो जाता है। तो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स, स्टॉक होल्डिंग एजेंट, ग्लोबल एंटिटी पॉलिसी, ये टू काइंड्स ऑफ पॉलिसीज हैं, राइट। तो कंडीशंस जो स्टॉक होल्डिंग एजेंट से रिलेटेड, तो ये जो एजेंट है जो स्टॉक होल्ड कर रहा है इससे रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज इश्यू किए जा सकते हैं। एंड उसका कंडीशंस क्या है, किस कंडीशन में, मर्चेंडाइज शिप टू ओवरसीज एंटिटी, देन ओवरसीज एजेंट जो है इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए विद द एक्सपोर्टर। एजेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, रिसीविंग शिपमेंट, गुड्स इन स्टॉक, आइडेंटिफाइंग अल्टीमेट बायर्स, ये सब। सेल्स बीइंग मेड बाय द एजेंट जो है वुड बी एट द रिस्क ऑफ द एक्सपोर्टर, ये सारे कंडीशंस के बेसिस पर। अब आईटी एनेबल्ड सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इश्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विस ड्यूरिंग द डिफाइंड पीरियड विद बिलिंग, यहाँ पर 1 वीक, 1 मंथ या 1 क्वार्टर के लिए कोई आईटी एनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑन दैट ऑल्सो दिस पर्टिकुलर पॉलिसी कैन बी इश्यूड। वन पॉलिसी फॉर वन बायर 12 मंथ्स के लिए। कमर्शियल रिस्क, बायर रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, एलसी ओपनिंग बैंक रिस्क, ये सब कवर किया जाता है। 80% ऑफ द कवर जो है होता है। लॉस लिमिट यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन अवेलेबल है, लॉस लिमिट अप्रूव्ड बाय द बायर, ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं बट लॉस लिमिट जो अप्रूव किया गया है उतना पर प्रोटेक्शन अप्रूव दिया जाता है। पॉलिसी पर बायर क्या है, सेपरेट पॉलिसी पर बायर दिया जाता है, और अगर क्लेम नहीं किया जा रहा है इंश्योरेंस तो 5%
या 50% पैसे आपको मिल जाते हैं। पॉलिसी एसएमईज के लिए ये लाया गया था 2008 में सबसे पहली बार, उसे मॉडिफाई करके माइक्रो एक्सपोर्टर्स पॉलिसी 2014 में लाया गया इंडिया के द्वारा। और ये पॉलिसी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कन्वीनियंस कमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क को कवर करता है अगर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 12 मंथ्स के लिए 90% कवरेज यहाँ पर है एक्सपोर्टर्स जो कि एंगेज है। मैन्युफैक्चरिंग में ये जो है प्रोवाइड किया जाता है पर्टिकुलर, एंड ऑल्सो इन सर्विसेज दोनों टाइप ऑफ एमएसएमई जो है उनको कवर किया जाता है, जो कि एज पर द एमएसएमई एक्ट जो है ये डिफाइन किए गए हैं, एंड उनका रिस्क विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स कवर किया जाता है यहाँ पर विद दिस पॉलिसी। ओके, सो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज इश्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश, ठीक है, तो ये 12 मंथ्स के लिए इश्यू किया जाता है। वी हैव सीन स्मॉल एक्सपोर्टर्स पॉलिसी, सो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज कमर्शियल रिस्क आर कवर्ड अंडर शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसीज, ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, फेलियर ऑफ द बायर टू मेक द पेमेंट ड्यू टू विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द बायर्स कंट्री, ठीक है। तो ये यहाँ पर कमर्शियल रिस्क पूछा गया है, तो एक तरह का पॉलिटिकल रिस्क है, सो दिस इज नॉट कवर्ड, 1 एंड 2 ओनली। सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि रिस्क होता क्या है, किस तरीके से उसको जो है अलग अलग इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन के थ्रू हैंडल किया जाता है, एंड एट द लेवल ऑफ द एक्सपोर्टर क्या फैसिलिटीज ईसीजीसी ने दिए हैं, ईसीजीसी है क्या, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस क्या होता है, ऑल ऑफ दीज वी हैव सीन। तो ईसीजीसी किस किस को एक्चुअली फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन टू एक्सपोर्टर्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटीज ऑफ इंश्योरेंस टू द बैंक्स, ठीक है। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि बैंक्स को कौन से फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। वी विल हैव अ लुक एट द अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दीज थिंग्स, किस तरीके से एक्सपोर्टर्स को चीज़ों पे ध्यान रखना है, बैंक्स को चीज़ों पे ध्यान रखना है, और क्लेम्स फाइनली जो किए जाते हैं, ये क्लेम्स किस तरीके से करने होते हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम लिमिट जब तक आपको क्लेम का अमाउंट जो है करने के लिए या फिर क्लेम वैलिड है, उसको हम देखेंगे इन दिस सेशन। ओके, तो ऑलरेडी हैविंग एन आइडिया कि ईसीजीसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एंड दैट टू एक्सपोर्ट रिलेटेड जो क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है उनसे रिलेटेड एक्सपोर्टर्स एज वेल एज बैंक्स को प्रोवाइड करता है। तो लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट आर द फैसिलिटीज दैट बैंक्स आर गोइंग टू गेट एज फार एज दीज एक्सपोर्ट रिलेटेड फाइनेंस इज कंसर्न, ठीक है, या फिर ट्रेड रिलेटेड फाइनेंस इज कंसर्न। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है बैंक्स के लिए वो है पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस। सो वी हैव ऑलरेडी सीन की पैकिंग क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है बाय द बैंक्स। कौन किसको प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड कर रहा है टू द एक्सपोर्टर। पैकिंग क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्री शिपमेंट, पैकिंग रिलेटेड जो भी प्री शिपमेंट में पैकिंग होता है शिपमेंट करने से पहले, एक्सपोर्टर को ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है कि क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि शिपमेंट से पहले के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सभी को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर करना है एक्सपोर्टर को, तो दैट कैन बी डन। नो, ये जो मनी प्रोवाइड किया गया है एक्सपोर्टर हो सकता है कि उसे लौटा ना पाए, तो इस वजह से बैंक इस चीज़ को इंश्योर करता है विद द हेल्प ऑफ ईसीजीसी पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस। प्री शिपमेंट इंश्योरेंस इज नथिंग बट द पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस। नाउ मूविंग ऑन टू ये जो है बैंक्स को मिलता है ओवर एनी लोन प्रोवाइडेड टू एन एक्सपोर्टर। इसका टाइम पीरियड है 1 ईयर अगेंस्ट सारे के सारे एडवांसेस जो प्रोवाइड किए गए हैं बाय द बैंक टू द एक्सपोर्टर बिफोर। प्री शिपमेंट रिलेटेड जो भी फाइनेंस प्रोवाइड किया गया उन सभी चीज़ों को कवर किया जाता है, प्री शिपमेंट क्रेडिट है। एंड यहाँ पर देखा जाता है कि लेट से द ड्यू डेट इज़ ऑन 1 जनवरी, तो एटलीस्ट ठीक है 4 मंथ्स, यानी कि अप्रैल खत्म होने के बाद 1 मई तक जो है इसने पेमेंट नहीं कर रखी है, देन यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। क्लेम इज पेएबल इन केस द प्री शिपमेंट क्रेडिट ग्रांटेड इज नॉट विद इन द 4 मंथ्स, 4 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ लोन। लोन का ड्यू डेट 1 जान था, बट 1 मई तक भी पेमेंट नहीं कर रखी है, यानी कि 4 महीने के अंदर अंदर अगर पेमेंट कर दी है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, 4 महीने के बाद यू विल बी गेटिंग द इंश्योरेंस। यहाँ पर बैंक्स को प्रोवाइड किया जा रहा है होल टर्न ओवर पैकिंग क्रेडिट, और ये हायर परसेंटेज ऑफ कवर इस पर होता है, लोअर प्रीमियम होता है, ठीक है, कवर ज़्यादा है,
यानी कि ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे व्हेन देर इज़ एनी इश्यू, बट द प्रीमियम अमाउंट इज़ लेस। ये जो भी लिमिट्स है वो नोटिफाई किया जाना होगा कि कितना अमाउंट, कितना मनी, कितना क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है टू द एक्सपोर्टर एज पार्ट ऑफ द पैकिंग क्रेडिट। इसके साथ साथ जो लिमिट्स है वो विद इन 30 डेज बताने होंगे। अब द सैंक्शन एंड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम ECGC, ठीक है। और यहाँ पर कई बार होता है कि बैंक्स ने लोन दिया है टू द एक्सपोर्टर प्री शिपमेंट रिलेटेड, तो ऐसे में क्या होता है, इट लेट से 100 रुपीज़ तक का लोन दे सकते हो, 100 रुपीज़ से ज़्यादा ECGC से प्रियोर अप्रूवल लेना पड़ेगा बैंक्स को, अगर आप इंश्योरेंस उस पर जो है प्रोवाइड अपने आप को करवाना चाहते हो। तो ये जो 100 रुपीज़ है इसे हम डिस्क्रिशनरी लिमिट कहते हैं, यानी कि इस लिमिट तक तो अपने आप से बैंक जितना भी पैसा चाहे दे सकता है, बस इससे ऊपर होता है तो ECGC की प्रियोर परमिशन आपको लेनी पड़ती है। और बैंक टू बैंक के प्रीमियम कवर वगैरह चेंज होता है, प्रीमियम जो भी पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस रिलेटेड है वो एक्सपोर्टर्स बेयर करते हैं। तो जो भी शिपिंग शिपिंग से पहले के जो इंश्योरेंस वगैरह बैंक्स को प्रोवाइड किए जाते हैं वो सब एक्सपोर्टर के मत्थे होता है, बिकॉज द ट्रस्ट इश्यू अभी है, क्योंकि शिपिंग से पहले शिपिंग हुआ ही नहीं है। अब शिपिंग नहीं हुआ है तो अगर इंश्योरेंस भी ले लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, तो अगर ये चीज़ रिकवर नहीं हुई तो डिफिकल्ट हो जाता है ना, इंश्योरेंस देना ही देना पड़ा बैंक को। तो इस वजह से इसका जो प्रीमियम है वो एक्सपोर्टर्स पे करते हैं ताकि शिपिंग वगैरह वो कर दें। अब इसके बाद एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, यानी कि जो प्री शिपमेंट रिलेटेड जो पैसे दिए गए हैं, जो लोन दिया गया है, ओके, उस लोन के ऊपर गारंटी प्रोवाइड किया जाता है बाय ECGC, ठीक है। ये बैंक पेमेंट नहीं करेगा तो आई एम गोइंग टू पे यू, तो इस तरीके का एडवांसेस गिवन बाय बैंक्स अगेंस्ट दिस प्री शिपमेंट के एडवांसेस, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ कवर, प्रीमियम, सारे कुछ सेम है पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस से रिलेटेड, और बट ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस है, उसमें कंसेशनल प्रीमियम रेट एंड हायर कवरेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ओके। तो मेन थिंग यहाँ पर क्या है, गारंटी। गारंटी यानी कि जो भी लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं बाय द बैंक टू द एक्सपोर्टर बिफोर शिपमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन स्पेसिफिकली, तो ECGC इस चीज़ को गारंटी करता है, ECGC गारंटी लेता है। अब पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, तो अगर लोन दिया गया है पोस्ट शिपमेंट, शिपमेंट हो गई है और उसके बाद एक्सपोर्टर को पैसे चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू वेरियस थिंग्स, लेट से अगला कंसाइनमेंट के लिए, लेट से उसे जो है अपने बिजनेस को ऑब्वियसली चलाने के लिए पैसे चाहिए होते, तो वो पैसे पोस्ट शिपमेंट में प्रोवाइड किए जाते हैं। डीलिंग फॉरेन बैंक ऐसा जो कि फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील कर रहा है, ऐसा बैंक ही ये शिपमेंट, ये वाला जो इंश्योरेंस है, सॉरी, ये वाला जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इस क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट पर जो इंश्योरेंस है उसका पीरियड 12 मंथ्स का है, और सारे के सारे शिपमेंट एडवांसेस जो भी एक्सपोर्टर को दिए गए हैं वो सारा कुछ इंक्लूडेड होगा, यानी कि 100 रुपीज़ अगर एक्सपोर्टर को दिया गया है कम्प्लीटली बाय द बैंक, तो वो सारा कुछ इंक्लूडेड होगा इन द पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, अगर वो शिपमेंट के बाद दिया गया है। अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल्स सेंट ऑन कलेक्शन बेसिस, ठीक है, एक्सपोर्ट बिल्स को भेजा गया है, एक्सपोर्ट बिल्स लेकर ये पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दिया जाता है बाय द ECGC। इंश्योरेंस यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं कि एडवांसेस ड्यू टू प्रोट्रैक्टेड डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सपोर्ट क्लाइंट। तो कई बार ये होता है कि जो डिफॉल्ट है, इंसॉल्वेंसी है, एक्सपोर्टर जो है उसने कर दिया है, यानी कि एक्सपोर्टर अब बैंक से इसने पैसे ले तो रखे हैं, क्रेडिट यानी कि लोन में ले तो रखे हैं बैंक से, बट एक्सपोर्टर वापस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में होता ये है कि ये इंश्योरेंस कवर इज गोइंग टू हेल्प, ठीक है, इस चीज़ को कवर करता है। इसके साथ साथ इसका एक्सटेंट जो है, अगर 100 रुपीज़ का है तो 100 का 100 आपको नहीं मिल जाएगा एज अ पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, बट इसमें से थोड़ा अमाउंट आपको मिलेगा, 90 to 95%, अगर वो ECGC का ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर है, 50 to 75% अगर वो ECGC का पॉलिसी होल्डर नहीं है। इसके साथ एसोसिएट्स जो पॉलिसी होल्डर्स के हैं उनको 60% तक अमाउंट मिलेगा,
और उसको कवर किया जाएगा, बट अगर वो नॉन पॉलिसी होल्डर है तो 50% होगा, इसके साथ साथ एसोसिएट है ऑफ नॉन पॉलिसी होल्डर तो 50% होगा, उससे ज़्यादा नहीं। प्रीमियम जो इस इंश्योरेंस पर है वो बैंक्स खुद ही भरते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो थोड़ा सा पोस्ट शिपमेंट यानी कि शिपमेंट हो गया, सब हो गया, एक्सपोर्टर पर ट्रस्ट हो गया, तो अब बैंक्स खुद ही इस प्रीमियम को भरते हैं। एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट एडवांसेस एक्सपोर्टर्स को दिए जाते हैं अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसीवेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि शिपमेंट से पहले प्री शिपमेंट जो हो रहा है, प्री शिपमेंट यानी कि शिपमेंट से पहले बैंक देता है लोन टू द एक्सपोर्टर, और ये जो लोन है इसके ऊपर जो ECGC हमारा है वो दो चीज़ें दे रहा है, एक तो या तो इंश्योरेंस दे रहा है या तो आपको गारंटी दे रहा है, ठीक है। इंश्योरेंस मींस इफ द डिफॉल्ट हैपेंस तो बैंक को लॉस नहीं होगा, बैंक के पैसे मिल जाएंगे। गारंटी क्या है, अगर ये चीज़ इस तरीके से की गई है, अगर एक्सपोर्टर इज अनेबल टू पे तो बैंक को ECGC इज गोइंग टू पे, तो वो चीज़ राइट। तो ये हम कह सकते हैं इज अ गारंटी। इसी तरीके से पोस्ट शिपमेंट और ये एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी पोस्ट शिपमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड ये मेनली पोस्ट शिपमेंट एडवांसेस जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव से रिलेटेड, इंसेंटिव्स क्या क्या दिए जाते हैं एक्सपोर्टर को, असिस्टेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये सारे इंसेंटिव्स हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको याद होगा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू द एक्सपोर्टर, ठीक है, जहाँ पर कई सारे पेमेंट्स करने होते हैं और जो भी प्रोडक्शन किया गया है बाय द एक्सपोर्टर, ये प्रोडक्शन एक्चुअली जो फॉरेन में, फॉरेन किसी कंट्री में या फिर आउटसाइड इंडिया अगर हम देखें, तो ये जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका कॉस्ट इज गोइंग टू बी हाई इन कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्रीज। तो फॉरेन कंट्रीज में ये चीज़ बन के 10 रुपये में रेडी हो रहा है, तो इंडिया में ये 15 रुपये में रेडी होगा, और इसके साथ यू विल सी कि ये 5 रुपये एक्स्ट्रा होने की वजह से ये कॉम्पिटेटिव नहीं है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर ये 15 रुपये नहीं रखो, इसको 9 रुपीज़ रखो, रिमेनिंग 6 रुपीज़ जो है वो आई विल बी कवरिंग। इस तरीके से गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोवाइड करता है, और इस ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट ये गारंटी दिया जा सकता है, ठीक है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी अब क्या है, ये ECGC के द्वारा इशू किया जाता है, काउंटर गारंटी बैंक को दिया जाता है पॉसिबल लॉसेस अगर उसको हो रहा है। अगर लेट्स से बैंक ने खुद ही गारंटी दे रखा है एक्सपोर्टर को, राइट, अगर बायर एक्सपोर्टर को गारंटी दे रखा है, बायर अगर पेमेंट नहीं करता है तो बैंक इज गोइंग टू पे टू होम एक्सपोर्टर, ये गारंटी दे रखा है। तो अब ऐसा सिनेरियो आता है तो बैंक को पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो वो ECGC के ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेमनिटी में मिलेंगे, ठीक है, इंडेमनिटी के थ्रू मिलेंगे। बैंक अब इस चीज़ को क्योंकि कवर कर रखा है, गारंटी दे रखा है, तो बैंक एक्सपोर्टर को जाकर पैसे दे देता है, क्योंकि बायर ने तो दिए नहीं है पैसे, तो इसको किसी न किसी को तो देना होगा, बैंक ने एक्सपोर्टर को दे दिए। अब ECGC का परफॉर्मेंस इंडेमनिटी ये लिया जाता है, तो बैंक ये पैसे बैंक कैसे देगा, ECGC से लेकर देगा। इसके साथ साथ इट इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सपोर्टर्स को फॉरेन बायर्स जो हैं उनसे रिलेटेड इस तरह के गारंटीज ले लेने चाहिए। यस करेक्ट, गारंटीज यहाँ पर कस्टम्स रिलेटेड भी है, इम्पोर्ट ऑफ कस्टम एज वेल एज रॉ मटेरियल फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है। फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी अगर दिया जा रहा है तो जैसे कस्टम्स में आपका प्रोडक्ट चला गया, जाने के बाद यहाँ पर ड्यूटी या फिर टैक्स वगैरह लगाया नहीं जा रहा है, तो ऐसे में भी कस्टम्स को जो है गारंटी प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपने इस चीज़ को जो है इसका ट्रेड तो कर लिया, फिर सारी चीज़ें वापस आप कर सकते हो, तो कस्टम्स का तो लॉस हो जाएगा अगर वो लोग किसी तरीके का इंसेंटिव दे रहे हैं इस पर्टिकुलर थिंग में, तो कस्टम्स को भी इससे रिलेटेड गारंटीज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको लॉस हो रहा है तो बैंक विल पे। एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लेंडिंग गारंटी इज द नेक्स्ट थिंग। अगर कोई इंडियन जो है एक्सपोर्ट ओवरसीज इंडिया से बाहर वो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है एंड इन एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे चाहिए, लेंडिंग किया जा रहा है, ओके, ओवरसीज़ प्रोजेक्ट है, प्रोवाइड फॉरेन करेंसी लोन
किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो कॉन्ट्रैक्टर फॉरेन करेंसी लोन लेता है फ्रॉम द बैंक एंड ही इज गोइंग टू डू द ओवरसीज प्रोजेक्ट। अब कई बार नॉन पेमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो इस चीज़ को कवर किया जा सकता है बाय दिस पर्टिकुलर गारंटी, जहाँ पर ECGC आपको जो है पैसे दे देगा। अगर इस कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट बैंक को नहीं किया तो ECGC पैसे दे देगा। प्रीमियम इस बैंक इस तरह के जो गारंटी है उसका इंडियन रुपीस में प्रीमियम होता है। तो दीज आर द वेरियस पॉलिसीज एंड यहाँ पर अगर हम देखें, वी विल सी कि देर आर अदर गारंटीज एंड स्कीम्स जो ECGC प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है ट्रांसफ़र गारंटी। तो हमने देखा कि जो भी पेमेंट आ रहा है वो कैसे आ रहा है। यहाँ पर हमारा इम्पोर्टर है, यहाँ पर हमारा एक्सपोर्टर है, और ये एक्सपोर्टर एक्चुअली अपने बैंक को पैसे दे रहा है, ये बैंक दे रहा है पैसे इम्पोर्टर के बैंक को, अब ये इम्पोर्टर को पैसे मिल रहे हैं। तब कई बार होता है कि एक्सपोर्टर ने तो पैसे दे दिए, बट ये बैंक जो है इसने पैसे फॉरवर्ड या ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। अगर ट्रांसफ़र नहीं किए हैं तो ये वाला बैंक का लॉस होगा। तो अगर आप इम्पोर्टर हो तो आप ये वाला बैंक के लिए ट्रांसफ़र गारंटी ले लोगे। अगर ये वाला बैंक जो है एक्सपोर्टर का बैंक, उसने पैसे नहीं दिए तो ECGC इज़ गोइंग टू पे। ठीक है, द कंफर्मिंग बैंक विल सफर अ लॉस अगर ये चीज़ होता है, तो दैट इज़ वॉट ट्रांसफर गारंटी इज ऑल अबाउट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है तो ऐसे में भी यू विल बी गेटिंग सम रिस्क कवर, यानी कि इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है और पैसे लॉस आपको होने नहीं दिया जाता। एक्सचेंज रेट लेट्स से आज के $1 अगर हम देखें तो लेटेस्ट से ये 100 रुपीज़ के आसपास है। ओके, अब ये फ्लक्चुएट होकर 120 रुपीज़ हो गया, तो ये बहुत बड़ा लॉस क्रिएट करेगा फॉर द इंडियन इकोनॉमी। देयर कैन बी अ फ्यू प्रॉफिट्स, बट मोस्टली काफ़ी ज़्यादा जो है लॉस होगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में किसी पर्टिकुलर एंटिटी का, बैंक्स का जो है उसका भी लॉस होता है। तो ऐसे में ECGC इज़ गोइंग टू कवर दिस। जो भी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस है, और ये फ्लक्चुएशन का परसेंटेज निकाला जाता है, और वो परसेंटेज 2% से लेकर 35% तक है, तो ECGC इसको बेयर करेगा। 2% के पहले और 35% के बाद सारा कुछ आपको खुद ही बेयर करना होगा। ठीक है, कौन से करेंसीज यहाँ पर इंक्लूडेड हैं? नंबर वन इज़ US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, UAE का दिरहाम, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये सब यहाँ पर एलिजिबल है फॉर दिस एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर। तो यहाँ पर ECGC इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द फैक्टरिंग सर्विसेज टू द पर्टिकुलर एक्सपोर्टर। ठीक है, तो ये फैक्टरिंग सर्विसेज जब प्रोवाइड किए जाते हैं तो कई सारे इसमें चीज़ें होती हैं। जो एक्सपोर्टर है इसको फैक्टरिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। एक्सपोर्टर ने अपने गुड्स सेंड कर दिए हैं सेलर को, सॉरी इम्पोर्टर को। तो जब ये गुड्स सेंड हो गए हैं टू द इम्पोर्टर, इम्पोर्टर इज़ गोइंग टू पे फॉर इट। अगर वो पे नहीं करता है, ठीक है, पेमेंट जो भी है वो उसको फैक्टरिंग सर्विसेज ऑफ ECGC पर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर ECGC थोड़ा सा अमाउंट एक्सपोर्टर को दे देगा, थोड़ा सा यानी कि 70-80% अमाउंट इज़ गिवन टू द एक्सपोर्टर, और जो भी बिल रेस किया है इसने, दैट इज़ फैक्टरिंग ना, हम फैक्टरिंग हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो ECGC ये प्रोवाइड करता है, 70-80% एक्सपोर्टर को मिल गया। इसके साथ साथ एक तो इसने ECGC ने फाइनेंस किया, ठीक है, इसके साथ साथ ECGC और भी सर्विसेज एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करता है। व्हाट आर दोस? रिसीवेबल्स ट्रांजैक्शन हो गया, इसके साथ क्रेडिट प्रोटेक्शन। तो फैक्टरिंग के जो भी सर्विसेज है वो सब ECGC प्रोवाइड करता है पर्सनली टू द एक्सपोर्टर। तो फाइनेंस प्रोवाइड किया, दूसरा सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ECGC के पास जाता है एंड इट टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ इट। फिर तीसरा क्रेडिट प्रोटेक्शन, जो भी लोन वगैरह लिया जा रहा है बाय द पर्टिकुलर एक्सपोर्टर उन चीज़ों को देखता है। और ये चीज़ें एक्चुअली ECGC एक्सपोर्टर का जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है उस सभी को कम करता है, एंड ECGC इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है इन चीज़ों के लिए, एक ओपन अकाउंट यानी कि ECGC के साथ ओपन अकाउंट होना चाहिए, ताकि सेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ECGC को दिखे, क्रेडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखे, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपोर्टर का अच्छा होना चाहिए, और बायर जो है असाइनमेंट से रिलेटेड नोटिस दिया हुआ हो, सेल्स में किसी तरीके का काउंटर ट्रेड या फिर कुछ और ट्रेड या फिर जो चीज़ें ट्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है वो सब इंक्लूडेड ना हो, ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा। फैक्टरिंग सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है उस पर हम ये कह सकते हैं कि
अकाउंट रिसीवेबल्स उसको परचेस कर लिया जाता है, यानी कि ECGC ये कह जाता है कि भाई अब तुमने एक्सपोर्ट तो कर दिया और आपको इतना 100 रुपीज़ रिसीव होना है, तो ये 100 रुपीज़ मैं रिसीव कर लूँगा, आई विल पे यू बाई कटिंग माई ओन चार्जेस, तो आपको इमिडिएटली पैसे मिल जाएंगे। तो व्हाट इज ECGC डूइंग, ये बिल जो 100 रुपीज़ का है उसे बाय कर लेता है, परचेस कर लेता है। अब तो 90% फाइनेंसिंग हो जाती है, सेल्स लेजर मेंटेनेंस कलेक्शन काम जो है वो हो जाता है, यानी कि पैसे कलेक्ट करने का काम, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। फैक्टरिंग एलिजिबिलिटी क्या है, गुड ट्रैक रिकॉर्ड, ओपन अकाउंट टर्म्स एंड लार्ज वर्किंग कैपिटल शॉर्टफॉल जो एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे हैं, यानी कि जेन्यून रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फैक्टरिंग की। अगर एक्सपोर्टर ये कह रहा है कि हाँ मुझे फैक्टरिंग की रिक्वायरमेंट है और एक्सपोर्टर के पास पहले से ही पैसे हैं रखे हुए, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। फैक्टरिंग में काफ़ी सारे जो ECGC है वो सब्सिडाइज तरीके से करता है, तो दैट इज़ वाई एलिजिबिलिटी को चेक करना ज़रूरी है। और इसके एडवांटेजेस क्या है, जो भी एक्सपोर्टर है उसे फाइनेंस मिल जाता है पहली बात, तो दैट इज़ एडवांटेज। एंड ये कमर्शियल बैंक्स को इन्वॉल्व करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर देख रहे हो आप ECGC और एक्सपोर्टर के बीच की बात हो जाती है ये, और साथ के साथ बायर्स के साथ फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं होती है जो भी हमारा एक्सपोर्टर है। अरे पैसे आएंगे ये वो, अब वो हेडेक हो जाता है ऑफ ECGC। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कवर फॉर बायर्स क्रेडिट एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। तो बायर्स क्रेडिट सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पर हम लेट्स से इंडिया में हैं और यहाँ हमारा जो है बैंक है एंड वी वॉन्ट टू एक्सपोर्ट समथिंग, बट जो दूसरे कंट्री में बायर है उसके पास पैसे नहीं हैं और ये बायर का बैंक है, ये एक्सपोर्टर का बैंक है, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, तो ये पैसे एक्चुअली प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द बैंक इन इंडिया, ठीक है, एक्सपोर्टर जो भी इंडिया में है। और बायर को ये पैसे प्रोवाइड करने पर क्या होता है, वो एक्सपोर्टर से पैसे ये जो गुड्स है वो लेने लगता है, ठीक है। तो वॉट एवर इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंक डायरेक्टली टू द बायर, दैट इज़ कॉल्ड बायर्स क्रेडिट, और इस पर ECGC कवर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ECGC, ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी होता है कि एक्सपोर्टर यहाँ पर है और उसका बैंक है, तो बैंक ये जो इम्पोर्टर है उसके बैंक को क्रेडिट प्रोवाइड कर देता है, तो ये इम्पोर्टर कई सारे ये तो बैंक के कई सारे इम्पोर्टर्स से लिंक रखता है, तो एक्सपोर्टर के सामान को खरीदने के लिए ये सारे इम्पोर्टर्स ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और उसके लिए पैसे इस बैंक से लेते हैं एंड पेमेंट कर देते हैं टू द एक्सपोर्टर इमीडिएटली। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, ताकि इम्पोर्टर एक्चुअली पेमेंट कर सके एक्सपोर्टर को इस चीज़ के लिए, जो इम्पोर्टर है बायर है उसे एक्सपोर्टर का बैंक प्रोवाइड कर देता है पैसे डायरेक्टली या तो थ्रू द बैंक, दैट दीज आर टू थिंग, डायरेक्टली प्रोवाइड करता है तो बायर्स क्रेडिट, थ्रू द बैंक प्रोवाइड करता है तो लाइन ऑफ क्रेडिट, तो ये चीज़ है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, ये लाइन ऑफ क्रेडिट नंबर ऑफ इम्पोर्टर्स के थ्रू किया जा सकता है, इसके सामने इन दोनों ही चीज़ों में ECGC इज गोइंग टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस। बैंक्स को जो है नॉन पेमेंट के रिस्क से ये चीज़ बचाता है, और ये लेंडिंग बैंक जो ये है उसके और ECGC के बीच का एक अग्रीमेंट है, और साथ के साथ क्रेडिट टर्म्स लेंथ जो क्रेडिट का है वहाँ वो सारी चीज़ें इन दोनों के बीच ही ये सब अप्रोप्रिएट हो जाता है, वो डिसाइड कर लेते हैं। अब इसके अंदर रिस्क क्या कवर्ड है, इंश्योरेंस तो मैंने कह दिया कि ये इस तरीके से इंटरनेशनली कवर्ड होता है, बट रिस्क क्या है, पॉलिटिकल एज वेल एज कमर्शियल रिस्क दोनों इंक्लूडेड है। पॉलिटिकल रिस्क में अगर वॉर हो जाता है उस कंट्री में, इन चीज़ों में क्या होता है, जो भी पैसे दिए लिए हैं वो सारे पैसे रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है, बट ECGC बींग अ ऑर्गेनाइजेशन एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल इट कैन डू दैट। लॉ ऑर्डर का इश्यू हो जाता है तब। कमर्शियल क्या है, डिफॉल्ट हो जाता है जो भी बोरोअर है, कई सारे बायर्स को मैंने दिखाया ना, वो बायर अगर पैसे नहीं देता है तो उसको इंश्योरेंस कवर करता है, 90% कवरेज है पीरियड यहाँ पर एज पर द एग्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कवर, तो अगर इंडियंस को ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस चीज के सामने इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो ये इंडियन इज इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्री तो उस चीज के सामने यू गेट द इंश्योरेंस कवर। इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होता है, पैसे सारे जो इंडियन के हैं वो चले गए फॉरेन इसके पास, तो पहला कंपोनेंट है जो मनी चला गया, दूसरा कंपोनेंट है वहां से इंटरेस्ट आना चाहिए ना, तो वो इंटरेस्ट भी लेट से नहीं आ रहा है, मनी भी चला गया, तो ये दोनों ही चीज़ों को इंश्योरेंस कवर करता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कैश फॉर्म में हो सकता है या फिर
गुड्स, इंडिया से गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक्सटेंट हमने देख लिया, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट विद डिविडेंड्स या इंटरेस्ट रिसीवेबल, और ये इक्विटी कैपिटल या लोन या फिर एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कैपिटल गुड्स के रूप में हो सकता है। यानी कि यहाँ से हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इक्विटी के रूप में, यानी कि उनके शेयर्स खरीद लिए, या तो उन्हें मशीनरी प्रोवाइड कर दी, या तो एक तरीके का लोन प्रोवाइड किया है जो वो रिटर्न करेंगे। तो इन चीज़ों में हो सकता है। एक्सटेंट हमने देख लिया, रिस्क क्या है, वॉर एक्सप्रोप्रिएशन, यानी कि ओनली पॉलिटिकल रिस्क कवर्ड है यहाँ पर, कोई भी कमर्शियल रिस्क कवर्ड नहीं है। देन इसमें और भी फीचर्स अगर हम देखें तो ये रिस्क भी तब पॉलिटिकल है, तो इस वजह से अगर लेट से जो भी फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को ECGC कवर कर रहा है। अब यहाँ पर अगर ये फॉरेन कंट्री के जो पीपल हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को फॉरेन कंट्री का कोई एंटिटी इंश्योर कर रहा है, कवर कर रहा होगा, ओनली देन ECGC विल डू। यानी कि ECGC के जैसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन उस फॉरेन कंट्री में हो और वो फॉरेन कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन इंडियंस का जो इंडियंस इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको इंश्योरेंस के थ्रू कवर कर रहा हो, ओनली देन दिस विल बी डन। ठीक है, अब ये अगर इस तरह का एग्रीमेंट है, ओनली देन ECGC ये जो इंश्योरेंस कवर है वो प्रोवाइड करता है। एग्रीमेंट नहीं भी हो बट उस कंट्री के जनरल लॉस ऐसे हैं कि ये चीज़ हो रही है, तो देन ऑल्सो इट कैन प्रोवाइड। पीरियड यहाँ पर 15 ईयर्स तक का आपको ये कवर प्रोवाइड किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म कई बार होता है, तो 15 ईयर्स तक का हो सकता है। अब कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीशन होते हैं काफ़ी टाइम लग जाता है, 15 या 17 18 ईयर्स ऐसे लग जाता है, तो 20 ईयर्स के अंदर अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं कंप्लीशन डेट तक आपको ये इंश्योरेंस मिलेगा। बट द मैक्सिमम इज एक्चुअली 15, बट 20 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये केसेस हम देख रहे हैं कि अगर ये लॉन्ग प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है ओनली देन। और अमाउंट यहाँ पर जो भी है वो ये लास्ट के 5 ईयर्स, 15 ईयर्स तक तो नॉर्मल अमाउंट एंड नॉर्मल प्रीमियम आपको मिलेगा, यानी कि इंश्योरेंस का अमाउंट जो है एंड प्रीमियम आपका नॉर्मल होगा। बट अगर हम देखें 20 ईयर्स लास्ट के जो 5 ईयर्स है उसमें आपका प्रीमियम घट जाएगा, आपको जो अमाउंट मिलने वाला है वो भी घट जाएगा, तो दैट इज गिवन, अमाउंट इंश्योर्ड यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। ओनली पॉलिटिकल रिस्क कवर जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लॉस कवरेज 90% का होता है, 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स तक का एक्सटेंडेबल ये पॉलिसी है। कस्टमर स्पेसिफिक पॉलिसी कवर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। बट ये देखा जाना चाहिए कि कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑलरेडी उसने ले रखी हो, राइट, या फिर उसने जो इन्वेस्टमेंट करना है इन द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज रिलेटेड टू ट्रेड विद ECGC वो 10 लाख या उससे ज़्यादा हो, ओनली देन ECGC इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस क्रेडिट। इंश्योरेंस यहाँ पर IRDA के द्वारा जो है अप्रूव्ड होता है इस तरह का इंश्योरेंस, कस्टमर स्पेसिफिक हो। बट कस्टमर स्पेसिफिक सर्विसेज आप किसको प्रोवाइड करते हैं, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उसको प्रोवाइड करते हैं ना, वैसे ही इंश्योरेंस ज़्यादा प्रीमियम अगर लेगा 10 लाख या उससे ज़्यादा, ओनली देन कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब अदर एस्पेक्ट्स देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि इस चैप्टर में हमने डिस्कस किए। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्रेडिट गारंटी एंड पॉलिसीज जो है रिस्क शेयरिंग बेसिस पर ये किए जाते हैं, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका अमाउंट जो फंसा हुआ है जिस जो पेमेंट आनी है वो 100 रुपीज़ है, तो ओनली 90 to 95 रुपीज़ इंश्योरेंस के थ्रू कवर किया जाता है, नॉट 100। तो रिस्क शेयरिंग हो गया ना, 90 to 95% रिस्क इज ऑफ ECGC, देन 10 to 5% रिस्क इज ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटी, मे बी एक्सपोर्टर या बैंक। अब IRDA के परव्यू के अंडर ये सारी चीज़ें होती है, IRDA के गाइडलाइन जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड जो है वो भी कुछ चीज़ों पर अप्लाई करते हैं जो ये सारे एस्पेक्ट्स हमने देखे हैं। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर सारे के सारे जो बैंक्स हैं अर्लियर पे द प्रीमियम ऑन ECGC फाइनेंशियल गारंटीज मंथली बेसिस पर, इनको सारा कुछ रिपोर्ट वगैरह डिक्लेरेशन वगैरह देना होगा। एनी अदर इंश्योरेंस इवन बैंक्स विच वर अर्लियर रिक्वायर्ड टू पे द प्रीमियम ऑन ECGC फाइनेंशियल अग्रीमेंट्स ऑन मंथली बेसिस इन अरियर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फाइनेंस अमाउंट आर नाउ रिक्वायर्ड टू पे अप फ्रंट 1 month प्रीमियम बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एवरेज। ठीक है, तो अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो विथ
ECGC, देन ECGC को 1 month का प्रीमियम अप फ्रंट पे कर देना है, उसके बाद ऐसे ऐसे एडवांस प्रीमियम हम कह सकते हैं पेमेंट किया जाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ IRDA के द्वारा भी कंफर्म किया गया। देन ये हम कह सकते हैं कि मंथली डिक्लेरेशंस भी प्रोवाइड करना होता है। बैंक्स तो डिक्लेरेशन ECGC को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कवर यहाँ पर इंश्योरेंस कवर के अमाउंट को वेरी किया जा सकता है इसके लिए। तो लेट्स से ईच मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इंश्योरेंस अमाउंट वेरी करने की ज़रूरत है, यानी ECGC डिसाइड करके करेगा। एक्सपोर्टर्स को भी रिपोर्ट करना होगा पर मंथ कि क्या क्या हो रहा है। एक्सपोर्टर्स भी कई इंश्योरेंस स्कीम्स के तहत कवर्ड है इस वजह से। और यहाँ पर होल टर्नओवर इंश्योरेंस, यानी कि पूरा का पूरा जो भी बैंक्स इंश्योरेंस प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं लोन्स, उन लोन्स को इन इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू कवर किया जाता है। इसके साथ साथ ECGC जो है डिस्क्रिशनरी लिमिट्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि बैंक लोन दे देते हैं टू द एक्सपोर्टर, तो ये एक्सपोर्टर को लोन जब देते हैं तो बिना ECGC को पूछे वो ये लोन्स दे सकते हैं अंटिल सर्टेन अमाउंट, अगर उस पर्टिकुलर लोन अमाउंट को उन्होंने इंश्योरेंस कवर के अंडर रखा हुआ है। तो ECGC का इन्वॉल्वमेंट है, तो ECGC को बताना है, बट एक लिमिट तक, डिस्क्रिशनरी लिमिट जिसे कहा जाता है, उस लिमिट तक ECGC को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना दिया है क्या है। बट उसके ऊपर अगर आप लोन देते हो तो ECGC हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड एंड प्रियर अप्रूवल ECGC का लेना होगा। इसके साथ साथ जो भी अगर लेट से बायर ने वो पैसे नहीं दिए हैं या फिर एक्सपोर्टर ने वो पैसे नहीं दिए हैं टू द बैंक्स, तो ऐसे में बैंक्स कैन रिपोर्ट इमीडिएटली वो जो है विद इन 4 months दे हैव टू से गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू ECGC कि भाई ये पैसे तो आए नहीं है, तुमने इंश्योरेंस करा था, वो पैसे चाहिए मुझे। तो रिपोर्टिंग विद इन 4 months कर दी और फिर क्लेम आपको विद इन 6 months करना होगा। तो रखा है और उस पर क्लेम जो आप कर रहे हो विद इन 6 months आपको करना होगा कि हाँ ये जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिलने चाहिए। आपने इन्फॉर्म तो कर दिया पहले कि हाँ यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है, देन क्लेम आप 6 months के अंदर करोगे आफ्टर आपने इंफॉर्मेशन का जो नोटिस है वो दे दिया। देन द नेक्स्ट थिंग इज, इवन दो ये बैंक्स को इंश्योरेंस का मनी मिल जाता है, लेकिन दे हैव टू टेक ऑल स्टेप्स कि एक्सपोर्टर से ये पैसे वसूले जाए। ठीक है, इन केसेस जहाँ पर एक्सपोर्टर कवर्ड है तो एक्सपोर्टर को इंश्योर करना होगी बायर से जो पैसे हैं वो पक्का पक्का वसूले जाए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन केयर ऑफ। इसके साथ साथ अगर कोई ओपन कवर कंट्रीज है, ऐसे कंट्रीज है जो जिन पर किसी तरह का लिमिट नहीं रखा हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है, तो इस तरह के ओपन कवर कंट्रीज से आप ये चीज़ें कर रहे हो तो ECGC को बहुत खास बताने की ज़रूरत नहीं। बट कई सारे रेस्ट्रिक्टेड बेसिस पर कंट्रीज होते हैं जिनका बहुत हाई पॉलिटिकल रिस्क होता है, ओके, तो ऐसे कंट्रीज़ के साथ अगर हम ले रहे हैं तो वो ECGC के रेस्ट्रिक्टेड वे में इन कंट्रीज़ के साथ जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। हाई रिस्क कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये सारे जो है ECGC के स्पेसिफिक अप्रूवल के बाद ही आप हाई रिस्क कंट्री के साथ ये चीज़ कर सकते हो, इंपोर्टर एक्सपोर्टर रिलेशंस रख सकते हो अगर आपने इस पर इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है। और फिर स्पेसिफिक अप्रूवल प्रोवाइड जब ECGC करता है तो 6 months तक का ही होता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए अप्रूवल दे दिया, 6 months तक का होता है, 6 months के बाद फिर से आपको अप्रूवल लेना होगा। अब इसके साथ साथ कई सारे बोरोअर डायरेक्टर कॉरपोरेट्स जो हैं वो ECGC के स्पेशल अप्रूवल लिस्ट में आते हैं, तो इनका जो काम करने का तरीका है वो ECGC को उतना पसंद नहीं आता, सही नहीं लगता, तो उसने अपने एक लिस्ट बनाई है स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट, इसमें कई सारे कंपनीज उनके डायरेक्टर्स बोरोअर्स वो सब आते हैं, तो इस लिस्ट में है, यानी कि उनसे अगर आपको बिजनेस करना है, उनको अगर आपको लोन देना है बैंक्स को, देन यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशन ऑफ ECGC। अब कुछ टू डू पॉइंट्स हम देख लेते हैं यहाँ पर जो कि एक्सपोर्टर बैंक्स उन सभी को ध्यान में रखना चाहिए जब ये ECGC के फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। तो जो भी पॉलिसी की वैलिडिटी है वो देखना होगा कि ये पूरे के पूरे टाइम के लिए है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी काम किया जा रहा है उस पूरे के पूरे टाइम पीरियड के लिए ये पॉलिसी एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ इस चीज़ को अगर आपको क्लेम करना है फॉर्म या फिर पॉलिसी रिन्यू करना है तो एडवांस में आपको बताना होगा
टू ईसीजीसी एंड द बैंक, और एक्सपोर्टर का पूरा लॉस, अगर 100 रुपीज़ का लॉस होने वाला है ये पता चल रहा है, तो एक्सपोर्टर को ध्यान रखना होगा कि ये पूरा का पूरा कवर्ड हो, पूरा नहीं तो एटलीस्ट जितना कवर हो सकता है उतना कवर्ड हो। एडवांस प्रीमियम यहाँ पर तो लेट्स से एक एक्सपोर्टर है जो कि ईसीजीसी से ये क्रेडिट फैसिलिटीज लेना चाहता है, तो वैसे में उस एक्सपोर्टर को ये ध्यान रखना होगा कि पहले उसने ईसीजीसी से अगर कोई भी फैसिलिटी ले रखी है ऑफ इंश्योरेंस वगैरह, और उस पर सही तरह के प्रीमियम्स एंड प्रॉपर क्लेम्स के थ्रू ही मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर ये चीज़ नहीं होगा, प्रीमियम सही से भरा नहीं है पहले, तो वो नए लोन्स या सॉरी नए इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह जो है नहीं करा सकता है, ये चीज़ बताई गई है। एक्सपोर्टर्स जो होल्ड टर्नओवर पॉलिसी जिनके पास है, तो उनको कस्टमर आईडी पासवर्ड वगैरह ऑनलाइन एक्सेस के लिए ईसीजीसी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ कितना लोन वगैरह जो है किसी कस्टमर पर्टिकुलर एक्सपोर्टर को दिया जा सकता है, और कितना लॉस बेयर किया जा सकता है बाय द बैंक बाय द एक्सपोर्टर, ये सब की लिमिट जो है वो फिक्स करनी होती है, एंड उसके हिसाब से बैंक्स एंड एक्सपोर्टर्स को काम करना चाहिए, ये चीज़ कही गई है। ठीक है, तो जो भी बायर्स के साथ काम किया जा रहा है वो बायर्स ईसीजीसी के पास्ट एडवर्स एक्सपीरियंस लिस्ट में नहीं होने चाहिए। एक्सपोर्टर्स को और ये इंश्योर करना है कि ईसीजीसी से वो स्पेसिफिक अप्रूवल ले, अगर वो रेस्ट्रिक्टेड कवर कंट्रीज के साथ जो है काम कर रहे हैं, उन कंट्रीज में रहने वाले एंटिटीज के साथ वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट खेल रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर्स यहाँ पर शिपमेंट रिलेटेड डिक्लेरेशन 15th of every month से पहले, जो पिछले मंथ का पूरा कैलकुलेशन है, और लेट्स से जनवरी का पूरा कैलकुलेशन कि क्या क्या हुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो वो सब फरवरी के 15th के पहले उन्हें सबमिट करना होगा। जनवरी के कैलकुलेशंस नेक्स्ट मंथ के फरवरी के 15th से पहले। इसके साथ जो भी क्लेम्स वो फाइल कर रहे हैं ओवरड्यू डिक्लेरेशन देने के बाद, यानी कि ये जो पैसे हैं वो आए नहीं हैं एक्सपोर्टर को बायर से, और अगर ये बैंक है उसको एक्सपोर्टर से ये पैसे आए नहीं हैं, इस तरह का क्लेम करके डिक्लेरेशन देने के बाद 12 months सॉरी 360 days के अंदर अंदर उनको जो है अपना इंश्योरेंस क्लेम करना होता है, एंड इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद भी रिकवरी एक्शन उन्हें लेनी ही पड़ती है, रिकवरी उनको लेना ही लेना है। ओवरसीज बायर्स अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो फर्दर शिपमेंट्स उन्हें अगर करना है तो प्रियोर अप्रूवल ऑफ ईसीजीसी के बाद ही ये किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट बिल्स के टेन्योर को अगर एक्सटेंड किया जा रहा है तो, और ओवरसीज बायर ने एक्सटेंशन, लेट से ओवरसीज बायर जो है 6 months में पेमेंट करेगा ये कहा है, बट वो नहीं कर पा रहा, तो 8 months में अगर कर रहा है तो ईसीजीसी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, और किसी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट वगैरह जो है एक्सपोर्टर बायर वगैरह के बीच में नहीं होना चाहिए विदाउट ईसीजीसी के इंफॉर्मेशन। ठीक है, फाइनली इंश्योरेंस ईसीजीसी जो देता है उसको क्लेम कैसे किया जा सकता है, तो 12 months जो है ड्यू डेट के बाद उसे क्लेम किया जा सकता है, 12 months के अंदर अंदर, 12 months से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ड्यू डेट लेट से 1 जान है, तो इसके बाद 12 months के अंदर अंदर यू कैन जस्ट क्लेम। ठीक है, और ये जो भी है ईसीजीसी के द्वारा सेटल किया जाता है, और एट अ टाइम एक पॉलिसी से रिलेटेड 4 बायर्स से ज़्यादा का सेटलमेंट नहीं होता है, डायरेक्टली बैंक को पे कर दिया जाता है एक्सपोर्टर को नहीं, पोस्ट शिपमेंट एडवांस अकाउंट क्रिएट किया जाता है और उसमें पे कर दिया जाता है। क्लेम का जो भी सेटलमेंट है वो एक्सपोर्ट सेटलमेंट हो भी गया तब भी एक्सपोर्टर को जो रिकवरी है वो करनी ही होगी। ओके, सो दिस वाज चैप्टर नंबर 7, द कवर अंडर द एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर स्कीम ऑफ ईसीजीसी इज अवेलेबल फॉर अ पेमेंट शेड्यूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 12 months अप टू मैक्सिमम ऑफ हाउ मच। ठीक है, कितना मैक्सिमम एक्सचेंज रिलेटेड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो कितना मैक्सिमम टाइम पीरियड तक आपको जो है प्रोटेक्शन मिलता है, तो इट इज 15 ईयर्स, सी विल बी द राइट आंसर हियर। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर वन ऑफ द इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाई ईसीजीसी फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक क्रेडिट इंश्योरेंस है, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी है, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, ये सारा ही ये सब ही जो है ईसीजीसी प्रोवाइड करता है, सो डी 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। थैंक यू।